तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको आज यह बताना चाहता हूँ कि गूगल में कौन कौन सी चीज़ गूगल ने उसको बंद कर रहा है, किस लिए बंद कर रहा है। दोस्तों मैं आपको ये पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। तो दोस्तों होता है क्या, ये वैसे गूगल प्ले म्यूजिक है दोस्तों, जो सिर्फ ऑफलाइन में म्यूजिक सुनने के काम आती है, जो अपने फ़ोन में जो मेमोरी कार्ड एसडी कार्ड में जो म्यूजिक होती है उसको वो प्ले करने के लिए आपको सुनने के लिए होता है। तो दोस्तों उसको गूगल बंद करने जा रहा है, ये आपका दिसंबर तक में पूरी तरह से ये बंद हो जाएगा। तो दोस्तों ये इसको जितने इसमें जो देखने के लिए सुनने के लिए जितने भी लोग होते हैं इनको सबको YouTube में भेज दिया जाएगा ऑटोमेटिक। तो दोस्तों होगा कि क्या, जो आप इस टाइम में म्यूजिक सुनते हैं फिर आप उसको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में YouTube पे आप सुन सकते हैं उसे। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें जो डेवलपर होते हैं उसके डेवलपर अलग होते हैं, हर चीज़ के डेवलपर होते हैं दोस्तों, तो इसका जो मेंटेनेंस है वो भी करना पड़ता है। तो दोस्तों ये डबल हो जाता है। तो गूगल ये करना चाह रहा है कि अपने यूट्यूब पर इसके जितने यूजर्स हैं ये सबको ऑटोमेटिक उसमें कन्वर्ट कर देगा। तो इससे होगा क्या दोस्तों कि गूगल को थोड़ा अपडेट भेजने में टाइमिंग नहीं होगी और बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिससे वो अपना समय को बचा सकता है। दोस्तों जो इसके डेवलपर होंगे, इसके जो डेवलपर होते हैं दोस्तों, ये सब फ्री होकर इस पर ही कार्य करेंगे। तो दोस्तों इसी में गूगल ये एप्लीकेशन को और खुद कुछ चीज़ है जो गूगल जैसे हैंग आउट, गूगल प्लस काफ़ी चीज़ बंद कर चुका है अपनी, और अब गूगल प्ले म्यूजिक की बारी ला रहा है। तो यही आपको बताना था। और होगा क्या कि जो यूज़लेस होगी चीज़ उसे गूगल आने वाले समय में उसको भी बंद करता जाएगा। तो दोस्तों जैसे दो तीन एप्लीकेशन सेम कार्य करती है तो उसको एक ही बना दिया जाएगा। ऐसे यूट्यूब में आप गाना सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, मतलब कोई भी चीज़ उसको सिर्फ ऑनलाइन में किया जा सकता है। तो जो डाउनलोडिंग का ऑप्शन रहता है दोस्तों, वो कुछ वीडियो को आप डाउनलोड करके ऑफलाइन में देख सकते थे। पर इसमें होगा क्या दोस्तों, जब इसमें ये कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो जो गूगल प्ले म्यूजिक है वो इसी में ऐड करके आप इसे ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों होता है क्या कि हर किसी के डिवाइस में म्यूजिक प्लेयर होता है। तो दोस्तों जो गूगल म्यूजिक प्लेयर है ये सभी डिवाइस में होता है। बाकी कंपनी तो अपना अलग अलग म्यूजिक डिवाइस देती है, पर ये जो सभी चीज़ में गूगल का है ये सभी चीज़ में रहता है। तो दोस्तों इसमें सभी के लिए अपडेट होना पड़ता है, बग हो गया किसी भी चीज़ की, देखिए इसमें अपडेट आते रहते, इसको सबको इसमें शिफ्ट कर देगा। तो हालांकि दोस्तों जो गूगल म्यूजिक है वो अलग ही चीज़ है दोस्तों, उसमें आपको सभी चीज़ का ऑप्शन सिंपल है। और बाकी जो इनके खुद के होते हैं म्यूजिक प्लेयर, इनमें वो मज़ा नहीं आता दोस्तों, आप खुद ही इस्तेमाल करते होंगे। अधिकतर लोग आजकल सब यूट्यूब का ही इस्तेमाल करें क्योंकि डाटा इतना मिल रहा है लोगों को। तो दोस्तों बस यही था कि यही आपको छोटी सी सिंपल जानकारी देना था